लिए करेंगे, वो चाहते हैं कि हमें विकास चाहिए, विकास भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर ही कर सकता है, मैडम किरण खेर के माध्यम से विकास होंगे। और जो हमारी मैडम किरण खेर ने भाजपा ने जो यहाँ विकास कार्य किए हैं, सड़कें बनाई है, सीवरेज दिया है, पानी दिया है और सभी सुविधाएं दी है, कुछ सुविधाएं रह गई हैं जिससे लोग वंचित हैं, उनको हम काम करने का हम काम पूरा करेंगे। सभी से आपके चैनल के माध्यम से एक ही गुजारिश करूंगा, मतदान का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि जितना मत होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कामों से बहुत संतुष्ट हैं। नमस्कार, मैं मोनी चौधरी और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। आप सभी को बताई होगा चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, सभी पार्टी अपनी कैंपेन में जुटी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 20 में, जिसके अंतर्गत बहलाना और हल्लू माजरा आते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार देवी सिंह जी से, उनका क्या कुछ कहना है और वो किन किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरे हैं। देवी सिंह जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष मिला है। विकास के बहुत से कार्य हैं, यहाँ की जो दशा थी, आप दीप कॉम्प्लेक्स में भी घूम रहे हैं, हल्लो माजरा में घूम रहे हैं, 2014 से पहले यहाँ गलियों का बुरा हाल था, सारी मतलब सीवरेज का बड़ा बुरा हाल था, लाइट का, पानी के कनेक्शन यहाँ पे टैंकरों से पानी आता था, गंदा पानी पीने में मजबूर थे। 2014 में जैसी मैडम किरण खेर यहाँ जीत के आए, उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट के जितने कार्य हुए हैं उसको देखते हुए जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों में बहुत उत्साह है, वो घूम रहे हैं, भाजपा ने बहुत काम कराया है, मैडम किरण खेर ने बहुत कार्य कराए हैं, उसको देखते हुए लगता है लोग हमें सपोर्ट करेंगे और अच्छे माध्यम से जीता कर भेजेंगे। आपको लगता है आप यहाँ घूम के देखे हैं दीप कॉम्प्लेक्स में जितने कार्य लोगों मैडम किरण खेर के माध्यम से हुए हैं, और वो मैडम किरण खेर एक हमारे यहाँ की सांसद हैं और हमारा एक संगठन बहुत बड़ा संगठन है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई अरुण सूद जी हैं, जिला अध्यक्ष नरेश पंचाल जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद राणा जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष हमारे साथ में खड़े हैं अशोक भूमिया जी, ये सब लोग निरंतर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हमारे काउंसलर भरत कुमार जी जो मेरे से पहले काउंसलर थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर थे, उन्होंने बहुत विकास के कार्य कराए हैं पिछले 5-7 सालों में, जितने काम मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर ने कराए हैं उससे पहले 20-25 साल जो नरक की जिंदगी जी रहे थे दीप कॉम्प्लेक्स और हल्लो माजरा के लोग, आप जाके भी जाके मिल के बात भी कर सकते हैं सब लोगों को, बताएं वो लोग बताएंगे आपको। उससे पूछिए, ये इससे दीप कॉम्प्लेक्स को और बसे हुए लगभग 30 साल हो गए हैं, और इस 30 सालों में 25 साल लगभग 23 से 25 साल कांग्रेस की सरकार उनके काउंसलर रहे हैं, तब इसकी क्या दशा थी, दशा को सुधारने में वक्त लगता है, हमने पिछले 5-7 सालों में बहुत कार्य किए हैं, ठीक है कुछ काम करने हैं अभी बाकी है। जनता पार्टी का दोबारा यहां से कैंडिडेट जीत के आता है तो मैडम किरण खेर के माध्यम या और काम जो बचे काम उनको कराने का हम काम करेंगे। अगर आप सत्ता में आते हैं मुझे लगता है ये जो दीप कॉम्प्लेक्स और हल्लो माजरा के साथ अभी नया एक वार्ड जुड़ा है, गाँव जुड़ा है, गांव बहलाना, वो पहली बार कॉरपोरेशन में आया है और ये सब पहली बार मतलब जैसे आए हैं कॉरपोरेशन में, तो यहाँ बहुत ऐसी सुविधाएं जो है देने की हमारी जो है डिमांड रहेगी सरकार की, और यहाँ पर बहुत सब कुछ है। चंडीगढ़ के सभी गांव और कॉलोनियों में हर सेक्टर में एक कम्युनिटी सेंटर है, हमारे गाँव हल्लो माजरा और बहलाना में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर हो जिससे जो गरीब बच्चे गरीब लोग हैं, गरीब जो थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपने बच्चों की लड़कियों की बेटियों की शादियों कराएं, जाके इतने इतने बड़े जो महंगे मैरिज पैलेस है उसमें ना करा के कम्युनिटी सेंटर में जाके अपने शादी बच्चों की शादियाँ कराएं ताकि उनको आर्थिक ज़्यादा दिक्कत ना हो। आपको लगता है मतलब आपकी पार्टी का कोई ये जनाजा आ रहा है चंडीगढ़ में? मुझे नहीं लगता, भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे मेरे वार्ड के तो लोग किसी और पार्टी को
मंजूरी नहीं करेंगे। उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास का काम करती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने जिनका डंका आज विश्व में बज रहा है, जो ऐसी एक कोरोना की महामारी आई उसके देखते हुए भी जितना हमारे यहाँ पे लोगों को गरीब जो एक अन्न योजना के तहत गरीबों को राशन दिया गया, गरीब हर गरीब को लगभग पिछले 1.5 साल से वो हर घर में राशन पहुँचा रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, उसको देखते हुए भी लोग कहते हैं कि मोदी जी ने इतने दिक्कत की परेशानी की घड़ी में वैक्सीनेशन तो फ्री लगाई हमारे को, उसके बाद जो राशन देने का जो काम किया है और जो हमारी मैडम किरण खेर ने भाजपा ने जो यहाँ विकास कार्य किए हैं, सड़कें बनाई है, सीवरेज दिया है, पानी दिया है और सभी सुविधाएं दी है, कुछ सुविधाएं रह गई हैं जिससे लोग वंचित हैं, उसको हम काम करने का हम काम पूरा करेंगे। एक यहाँ पे हाई टेंशन तार जो कि बहुत खतरे का कारण थी वो हमारे इन लोगों के छतों से जैसे लगभग 150 मकान उससे प्रभावित थे, उसको भी हटाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की मैडम किरण खेर ने किया, जिससे लोगों के मकानों की वैल्यू बढ़ी और जो दहशत थी कि इतनी हाई टेंशन तार यहाँ दी जाती है कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसको हटाने के बाद लोगों के मकानों की वैल्यू भी बढ़ी है और उनसे जो निजात का भी काम हुआ है। कैंपेन बड़े जोरों से चल रहे हैं जी, हमारे कार्यकर्ता संगठन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे जिले के सभी ऑफिस बेयरर, मंडल के सभी ऑफिस बेयरर, सभी सेल मोर्चे और हमारे कार्यकर्ता बहुत जोरों के साथ लगे हुए, जोश के साथ लगे हुए। मुझे लगता है इनके बल को इनके जोश को देखते हुए जब हम लोगों को बीच में जा रहे हैं, हमें लगता है कि फिर हम एक से एक फसल जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आपको आइए, हमें तो कहीं ऐसा हुआ नहीं जी, हमारे को तो जब जहाँ भी गए हैं गेट पर ढोल धमाके के साथ में स्वागत करने के लिए लोग खड़े रहे हैं और मुझे हमारे इस वार्ड में कहीं ऐसा हुआ नहीं। अगर आपको हुआ है तो आप मुझे दिखा सकते हैं किसी में, किसी आपको वीडियो है, वीडियो मुझे नहीं लगता है हमारा कहीं किसी ने कहा है, आप अगर है तो हमें दिखा सकते हैं। हम तो जब भी गए हैं लोगों ने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, हमें सभी मंदिरों में गुरुद्वारों में जहाँ भी गए हैं सब लोगों ने हमारे दिल खोल के और बाजू खोल के हमारा स्वागत किया, कहीं ऐसी बात हमें नहीं लगी। और किस लिए करेंगे, वो चाहते हैं कि हमें विकास चाहिए, विकास भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर ही कर सकता है, मैडम किरण खेर के माध्यम से विकास होंगे, कुछ एरिया हमारे कॉरपोरेशन में नहीं आता जो कि एमपीलैंड फंड से होगा काम, उसका विकास होगा। तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतना चाहिए जिससे हमें विकास का कराने में सुविधा रहेगी। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से एक ही गुजारिश करूंगा, मतदान का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि जितना मत होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से बहुत संतुष्ट हैं, लोगों का उत्साह देख के लगता है। बस सभी से एक ही गुजारिश है, मतदान के दिन पहले वोट करके उसके बाद ही अपने कोई काम को करें। लेकिन जैसे कि आपने सुनाई होगा, देवी सिंह का कहना है कि उन्होंने विकास के कार्य कराए हैं, जो कुछ रह गए थे पहले वो इस बार कराएंगे पूर्ण, और उनको पूर्ण विश्वास है कि जनता उनको वोट देगी और ये इलेक्शन फिर से जीतेंगे। ऐसे कुछ अहम मुद्दों को जानने के लिए मैंने रेस बताती थी, पर मैं अभी चौधरी कैमरा पर्सन के बच्चे ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।